नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की खबर। रायबरेली से है, जहां कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह नलकूप विभाग के वर्कशॉप का निरीक्षण किया। वर्कशॉप में अधिकारियों और कर्मचारियों से जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आधे से अधिक नलकूपों के खराब होने की बात पर कहा कि जल्द से जल्द नलकूपों को सही कराकर सिंचाई का कार्य संपादित किया जाए। केंद्र राज्य सरकार की उपलब्धियां उनके तक कैसे पहुंचे, इसलिए काम लोग कर रहे हैं और इसमें आप सबका भी आशीर्वाद है, जनता जनता का आशीर्वाद। बारिश नहीं हो, हाँ ये कठिनाई है। आज सीएम साहब ने बुलवाया हम सब की मीटिंग, सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, अन्य मीटिंग को बुलवाए हैं आज शाम को है कि इससे यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे निपटा जाए, लेकिन ईश्वर का कृपा रहेगा, बारिश होगी और बम्फर बारिश होगी। सावन के पहले दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान भोले को जलाभिषेक किया और इसके साथ ही रुद्राभिषेक कर उनका आशीर्वाद लिया। तो वहीं पर सीएम ने पूजा के नाम पर लोगों से गंदगी न फैलाने की अपील भी की। सावन का पहला दिन है, सावन मास आज से आरंभ हो रहा है और सावन का बहुत महत्व है। सावन सनातनी धर्म में खासा मायने रखता है, क्योंकि शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक किया जाता है। आज ही से केवट यात्रा भी शुरू होती है और हम खड़े हैं गोरखपुर के मानसरोवर मंदिर में, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रुद्राभिषेक किया है, शिव को पूजा किया है। खुद से ये ज्योतिर्लिंग बना है, खुद से भूख से उत्पन्न हुआ है ये शिवलिंग। यहाँ रुद्राभिषेक की बहुत महत्व होता है। तो आप देख सकते हैं जलाशय को, मानसरोवर जलाशय इसे कहा जाता है और इसका पूरी तरह से सुंदरीकरण अजीर्णोद्धार सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसकी पूरी सुंदर काया बन चुकी है। राजधानी लखनऊ में लुलु मॉल विवादों में घिर गया है। विवाद की वजह नमाज है। 14 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया था कि कुछ लोग लुलु मॉल में नमाज पढ़ रहे थे। इस वीडियो पर अब अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने चेतावनी जारी की है और कहा कि अब अगर कभी लुलु मॉल में नमाज हुई तो वो भी वहां सुंदर कांड का पाठ करेंगे। साथ ही एक आरोप भी लगाया है लुलु मॉल पर ये कि जो भी कर्मचारी भर्ती किए जाते हैं उनमें पुरुष कर्मचारी मुस्लिम और महिला कर्मचारी हिंदू होते हैं। हालांकि इस आरोप की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। कोतवाली पे हम लोग यहाँ एकत्रित हुए, हम लोग जा रहे हैं सुशांत गोल्ड सिटी थाने पे। वहाँ पर लुलु मॉल जो जिस प्रकार से वहाँ पर कल वो नमाज पढ़ी गई सार्वजनिक स्थल पे, सरकार पूर्व में कहती आई है कि सार्वजनिक स्थल पे ना कोई पूजा पाठ होगा ना कोई नमाज होगी। तो हम लोग का विरोध यह है कि एक मॉल है जहाँ पर जो है जनता जाती है, हर समाज के हर धर्म के लोग जाते हैं, तो वहाँ पर उपासना स्थल ना बना करके मॉल का स्वरूप रहने दिया जाए। और लगातार सोशल साइटों पर इनके ऊपर आरोप लगता रहा कि ये लव जिहाद को बढ़ावा देते हैं। 70% एक धर्म के लड़कों को रखा जाता है, 30% हिंदू और अन्य धर्मों की लड़की को रखा जाता है, जो कि बाद में लव जिहाद का रूप धारण करता है। तो ऐसे आरोपों की पुष्टि के लिए हम आज थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। लखनऊ में पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों में उलटफेर जारी है। जिन अधिकारियों के तबादले किए गए थे उनमें से ज्यादातर अधिकारियों के तबादलों को निरस्त कर दिया गया है। कोई 10 दिन बाद वापसी अपने पुराने दफ्तर आया तो कहीं एक हफ्ते बाद ट्रांसफर निरस्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सहायक अभियंता नवल किशोर मिश्रा को 29 जून के रोज प्रांतीय खंड लोक निर्माण विभाग बस्ती से निर्माण खंड बस्ती भेजे गए थे, लेकिन महज 10 दिनों में ही उन्हें उनकी पुरानी जगह वापस भेज दिया गया। इसे देखकर साफ पता चलता है कि प्रशासन भी इन अधिकारियों के आगे नतमस्तक है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफर नीति में हुए उल्लंघन को लेकर सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर साफ तौर पे देखा जाए तो नाराज नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो पहले स्वास्थ्य विभाग और अब पीडब्ल्यूडी में तबादले को लेकर अब जो सवाल है वो कहीं ना कहीं खड़े हो रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो एक मामला सामने आ रहा है बस्ती से, जहां नवल किशोर मिश्र नाम के सहायक अभियंता की पहले उनकी ट्रांसफर की जाती है, फिर उन्हें पुराने जगह पे महज 7 दिनों में वापस बुला लिया जाता है। और वहीं इस मामले पर अधिकारी बोलने पे कन्नी काट रहे हैं और इससे जो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नाराज नजर आते हुए दिख रहे हैं। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ।
अयोध्या में जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी दौरे पर गए। वहां पर उन्होंने महंत राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा को धारण किया। आपको बता दें कि उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सरयू के तट पर भगवा वस्त्र धारण किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका बचा हुआ जीवन धर्म कर्म हिंदुओं की रक्षा हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित है। आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजूदास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म कर्म हिंदुओं की रक्षा हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा इसमें बिताना है। उनके मुंह पे तमाचा है जो सनातन धर्म संस्कृति को गाली देते हैं, जो हिंदू और हिंदू देवताओं को। आज जितेंद्र त्यागी जी को ढेर सारा आशीर्वाद मंगल कामना कि माँ सरजू के तट पर उन्होंने आज स्नान किया। उनके जो लौकिक वस्त्र थे उस वस्त्र का माँ सरजू के चरणों में समर्पित किया। खबर मैनपुरी से है जहां पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस के 3 दिवसीय चेकिंग अभियान के अंतर्गत 30 अभियुक्तों को 2 पहिया 4 पहिया वाहन और 5 तमंचे सहित पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिन पर कई संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज है। वाहन चोरों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से करहल थाना क्षेत्र में 4 अभियुक्त पकड़े गए वाहन चोर, जिनके कब्जे से हमको वाहन बरामद हुए। उसके बाद से इनकी कड़ियां सूत्र एक जब पिरोने की कोशिश की गई तो इनके द्वारा पूरे जोन में इस तरह के आपराधिक कृत्य किए गए हैं। विभिन्न जनपदों से वाहन चुराना ला करके उसको बेचना ये कार्य किया गया। इसमें कड़ियों को जोड़ते जोड़ते अब तक कुल 30 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और 68 वाहन बरामद हुए हैं। 1 4-पहिया वाहन भी है। फरीदाबाद हरियाणा रोडवेज परिवहन विभाग ने कांवड़ लाने वाले भक्तों और यात्रियों को हरिद्वार तक पहुंचाने के लिए 2 बस चलाई हैं। जानकारी के मुताबिक कोरोना के कारण इस बस सेवा को बंद कर दिया गया था। कोरोना काल के बाद एक बार फिर से बस सेवा को शुरू किया गया है। जी, ये सावन का महीना है, इसमें बहुत कांवड़िए जाते हैं, अपनी श्रद्धालु है और ये भोले बाबा के लिए जल लेके आते हैं। रस बढ़िया है, अभी एक आध कांवड़िया दिख गया चलते चलते और आगे तक पूरी भरमा रह जाएगी। हरिद्वार ऋषिकेश 17-18 तक बिल्कुल भीड़ फुल हो जाएगी। हमने हरिद्वार के लिए 2 बसें हमारे डिपो की जाती हैं, इसके अतिरिक्त 1 पलवल की भी जाती है और यूपी वालों की भी जा रही है। पब्लिक की सुविधा के लिए हरिद्वार यात्रियों को भेजने के लिए हमने सफिशेंट बस सर्विस लगाई हुई है। गाजियाबाद में सावन का महीना शुरू होते ही शहर के हर वर्ग में भगवान शिव के जयकारे देखने को मिले हैं और मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो वहीं नगर निगम प्रशासन भी कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए धरातल पर उतर चुका है, जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग के वॉलेंटियर्स को जिले में तैनात करके सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अनाउंसमेंट करते हुए मांस मीट मछली की दुकानों को पूर्ण रूप से सावन के महीने में बंद करने का भी अनाउंसमेंट नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। कांवड़ यात्रा को लेकर हमारे यहाँ नगर निगम सीमा दुहाई से लेकर शुरू होती है और मेरठ तिराहे होते हुए दो रूट हो जाती है, एक जो चली जाती है अप्सरा बॉर्डर की तरफ, एक चली जाती है वसुंधरा होते हुए NH-24। इसके लिए दुहाई से लेके और पूरे रूट तक जो है सड़कों के किनारे जितने भी साफ सफाई का काम, इवन की जो घास पत्ते लगे होते हैं उनकी भी सफाई का काम चल रहा है, लाइटों की व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जा रही हैं और उस दौरान जो यात्री आते हैं कांवड़ के उसको देखते हुए बीच में टेम्पररी लाइट की व्यवस्था कराई जाती है। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष विमला बाथम ने कृष्णनगर क्षेत्र में स्थित वन स्टॉप सेंटर और लोक बंधु हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और वन स्टॉप सेंटर में कौशल विकास केंद्र ना चलने को लेकर नाराजगी जताई और लोक बंधु हॉस्पिटल में साफ सफाई को लेकर हॉस्पिटल की तारीफ की।
खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां जिले के 352 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित की गई। इन स्मार्ट क्लासरूम का उद्घाटन स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने जिला मुख्यालय के लोहिया कला भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में किया। इस मौके पर जिले के 14 विद्यालयों के प्रधानाचार्य और ग्राम प्रधान को स्वच्छ भारत विद्यालय पुरस्कार से भी नवाजा गया। इस कार्यक्रम के बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि नीति आयोग भारत सरकार CSR द्वारा जिले में 352 विद्यालयों में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल के कर कमलों द्वारा कराया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द जिले के सभी विद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित हो जाए। आज CSR फंड के अंतर्गत जनपद में 352 जो स्मार्ट क्लास स्थापित किया गया था, उसका उद्घाटन माननीय डुमरियागंज सांसद श्री जगदम्बिका पाल जी के कर कमलों से कराया गया है और लोगों को प्रोत्साहित किया गया है कि लोग अपने फंडिंग से विद्यालयों को सुदृढ़ कराएं, उनकी अवस्थापना सुविधाओं में सुधार कराएं। इसके साथ साथ स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में चयनित स्कूलों को भी पुरस्कृत किया गया है और पूरे जनपद में हर ब्लॉक से एक एक ग्राम प्रधान और एक एक उत्कृष्ट कार्य करने वाले कायाकल्प में टीचर्स को भी सम्मानित किया गया है। खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर मौजूदा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के फोटो लगाकर महंगाई को लेकर कटाक्ष किया गया है। सुबह जैसे ही यह होल्डिंग सिपाही गलियारों में चर्चा बनी, तो वहीं प्रशासन ने आनन फानन में उसे हटवा दिया। जानकारी के मुताबिक यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष वरुण मिश्र ने होल्डिंग लगवाई थी। आज सुबह एक होल्डिंग बार लगाई गई थी गेट कलेक्ट्रेट गेट के बाहर, उसको उतरवा दिया गया है। उसमें FIR दर्ज कराई गई है और जांच के बाद जो उसमें दोषी पाए जाएंगे उसके लिए कार्रवाई की जाएगी। आगरा में मासूम बच्ची को अगवा करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपियों ने अश्लील वीडियो देखकर बच्ची को अगवा किया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कल थाना इत्मादौला क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी छोटी सी बच्ची जिसका उम्र 4 से 5 वर्ष है, उसके अपहरण की सूचना दी। तत्काल पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया और उसके बाद पुलिस उसके पता रसी में जुट गई। CCTV कैमरों और स्थानीय लोग की सहायता से उसके जाने का रूट पुलिस के संज्ञान में आया और उसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने तुरंत 4 से 5 घंटे के भीतर दबिश देकर उस बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और उसके बाद विधिक रूप से उसका मेडिकल कराया गया और जो व्यक्ति 3 पकड़े गए थे मौके से जिनके कब्जे से बच्ची को बरामद किया गया था, उन्हें गिरफ्तार किया गया और मेडिकल में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिसके आधार पर धाराएं भी बढ़ाई गई और उन्हें गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। खबर औरैया से है, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुप्त के पदाधिकारियों ने अनब्रांडेड चीजों पर GST लगाए जाने का विरोध किया है। इस दौरान व्यापारियों ने तहसील में प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। व्यापारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक वो आंदोलन करते रहेंगे। तो संबंधित वस्तुएं थी इस पर GST गवर्नमेंट ने नहीं लगाई थी, अब ये नए कानून बना करके इस पर सब पर जितना गेहूँ है, मटर है, चना है, इससे जो चीज़ें बनेंगी उन पर सब पर GST लागू कर रहे हैं, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अनब्रांडेड चीज़ों पर वित्त मंत्रालय द्वारा 5% GST लागू कर दी गई है, जिसमें पहले 1% GST नहीं लगती थी। जैसे दूध है, अनाज है, पनीर है और चीज़ें हैं, और जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उनमें लगभग 13% 12 से 18% के बीच में GST कर दी गई, जिसका उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट क्रांति आह्वान पर पूरे प्रदेश में आज ज्ञापन दिया जाएगा। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र में लार कस्बे में छोटी बहन ने बड़ी बहन को चाकू से गोद कर हाल बेहाल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत पर पहुंची पुलिस ने आरोपी गजवाला को हिरासत में ले लिया। मामले की जांच कर रही है पुलिस। ये देवरिया जनपद में लार थाना क्षेत्र के अंतर्गत लार कस्बे का मामला है, जिसमें एक 45 वर्षीय महिला को अपने स्वयं के ही घर में
वो उसकी सगी बहन द्वारा चाकू से मारकर घायल किया गया। बाद में इस महिला की मृत्यु हो गई। संबंध में लार थाने पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। भिड़ंत के दौरान बाइक में भीषण आग लग गई और बाइक सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक दोनों बाइक सवार ब्रह्मांड घाट के साधु बताए जा रहे हैं। फिलहाल दोनों की हालत गंभीर है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक्सीडेंट केस है, ये बलदेव पब्लिक स्कूल के पास हुआ है, हमने एक्सप्रेस वे के पास। ये दो लोग थे, ये चार पहिए के वाहन से हुआ है, बाइक में निकल गई। दो लोग हैं, मथुरा साइड से आ रही थी, ये बलदेव से आ रहे थे और दोनों में दोनों आपस में टकरा गए, इसमें दो दो व्यक्ति घायल है। ये कौन सी जगह जहाँ ये आप सब? ये बलदेव पब्लिक स्कूल के पास। लगभग कई व्यक्ति घायल हैं इसमें? दो दो। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में नाली को लेकर दो सगे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र में नाली की साफ सफाई न होने के कारण गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। इसी गंदगी के चलते बरसात में भयंकर बीमारियां फैल जाती है, जिसकी साफ सफाई को लेकर गाँव देहात में अक्सर झगड़े होते रहते हैं। हमने झगड़ा नहीं चाहा, फिर हमने अपनी अपनी जगह में गड्ढा कर लिया अपने द्वार के सामने। तीन महीने से पानी फेंक रहा हमें नाली में। अब ये लड़का बाजार में से आ रहा तो वहाँ मियो को पानी भर रहा हूँ ना, तो वहाँ मैंने पानी अपने द्वार पर जो लगा रखो बांध, तो वो बांध पे जाके दरवाजे के अगर आदमी खड़े तो उसने लड़का से बोलो यहाँ के कैसे लगा रही थाने बिक्की सड़क पे गए। खबर मैनपुरी से है, जहां बेवर पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोपी को किसी वाहन का इंतजार करते समय धर दबोचा। बता दें कि विभाग 11 जुलाई को विगत 11 जुलाई को दिन दहाड़े अपनी पत्नी को चाकू से और फावड़े से हत्या कर दी थी इस व्यक्ति ने और फरार हो गया था, और तभी से पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना के समय उपयोग में लाए गए फावड़े चाकू को बरामद कर लिया है। तो उधर थाना प्रभारी ने आरोपी से पूछताछ कर आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस की कार्यशैली की जमकर सराहना की है। पति पत्नी में आपसी विवाद को लेकर पति धमका में अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी भाड़ा हथियार से। इस संबंध में पुलिस टीम गठित की गई। वन निरीक्षक देवर श्री नारायण शर्मा के नेतृत्व में टीम ने आरोपी धमकाल को गिरफ्तार कर लिया है। काला कतल भी बरामद की जा चुके हैं और गिरफ्तार करके न्यायालय भेज दिया जा रहा है। हरदोई में शाहबाद कोतवाली क्षेत्र में एक सिरफिरे प्रेमी ने पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा लिया। आनंद में वहां पर मौजूद लोगों ने आग बुझाकर उसे बचाया। फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। आपको बता दें कि युवक शाहबाद कस्बे की लड़की से प्रेम करता था। सूत्रों के मुताबिक लड़की से प्रेमी युवक के पुराने संबंध बताए जा रहे हैं। युवक पर प्रेम प्रसंग के दौरान मुकदमा भी दर्ज हुआ था, जिसमें लड़की ने 164 के बयान अपने परिजनों के पक्ष में देकर उसके साथ चली गई थी। युवक का नाम है अमन, पुत्र राजू, ये भागलखेड़ा थाना रौजा शाहजहांपुर का रहने वाला है। ये कस्बा शाहबाद में एक लड़की के घर के सामने आग लगा ली। इसमें यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि पूर्व में इस लड़की ने लड़की के पिता ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें बयान हुआ था 164 का कोर्ट में, और उसने लड़के के पक्ष में ही बयान किया था और माँ बाप के साथ चली गई थी। उसने ये कहा था कि हमको किसी ने नहीं भगाया, और उसी को लेकर एक तथ्य भी प्रकाश में आया है कि एक तरफा प्यार में इसने आग लगा ली। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।